इंडिया जो है वो पावर प्लांट बिल्ड कर रहा है उन एरियाज में जो कि चाइना क्लेम करता है। हमारा रिवायती हरीफ भारत, इनको देख लें नरेंद्र मोदी कितना जालिम शख्स है, आप देख लें कि मीडिया पे कितनी को बात होती है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में जो है उसमें तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। अब सुनने में आया कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, वो करने जा रहा है 12 हाइड्रो पावर स्टेशंस के लिए अरुणाचल प्रदेश में। डेली खबर आई है कि 71.8 अरब रुपए सरकार कर्ज ले रही है, चाहे कमर्शियल बैंकों से ले, चाहे जाहिर है वहीं से ले रही होगी। तो फॉर हाउ लॉन्ग दिस कैन बी सस्टेनेबल। भारत जो है उसने साउथ एशिया की जो डेफिनेशन है वही चेंज कर दी है। आपने 2023 में भी इतने पैसे लोकल बैंकों से लिए थे, लेकिन पूरे साल के अंदर इस दफा आपने 45 दिनों के अंदर 11.5 बिलियन लिया है। आप देखिए रॉ की जो एक्टिविटीज हैं, अब हर जगह पे ये टेररिस्ट रियासत कंसीडर हो रहा है इंडिया, बकायदा डिक्लेयर करना बाकी है, लेकिन आप बताएं कि उनके जो लोग हैं या उनका मीडिया है, कभी रॉ के बारे में बताएं ना। पूरे भारत में जितना हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है उसमें तकरीबन 40% सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात। दिन बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर आई जब स्टेट विजिट पे, तो उनको ये कहा गया कि हम स्पेस के वाले से आपकी हेल्प करेंगे। अब बांग्लादेश कहता अच्छा, एक वक्त होता था अमेरिका स्पेस के वाले से मदद करता था, आज स्पेस के वाले से भारत ने मदद करनी शुरू कर दी। कि इंडिया जो है वो पावर प्लांट बिल्ड कर रहा है उन एरियाज में जो कि चाइना क्लेम करता है। अब सुनने में आया कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, वो करने जा रहा है 12 हाइड्रो पावर स्टेशंस के लिए अरुणाचल प्रदेश में। और ये जारी बात है, इससे टेंशन मजीद बढ़ सकती हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप ये देखें कि इंडिया की जो फेडरल जो हुकूमत है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो मैडम निर्मला हैं, वो ये कह रही हैं कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा इलाका है, हमारे लोगों का हक है कि उनको बिजली प्रोवाइड की जाए इन 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के जरिए, और ये हमारे लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लेके आएंगे। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भारत की, ये वहाँ पे आप ये तो कह सकते हैं कि एक डेवलपमेंट के चांसेस बनेंगे, बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत सारी दुनिया ये भी कह रही है कि इससे क्लैशेस भी बढ़ सकते हैं। और इंडिया कहता है ये हमारा इलाका है, इसमें से कुछ चाइनीज़ कहते हैं हमारा इलाका है। और पिछले अगस्त में ही हुकूमत ने कुछ कंपनियों को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए थे। ये वैसे तो कहा जा रहा है कि तकरीबन $11 बिलियन की एस्टीमेटेड इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ये बॉर्डर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है जी। लेकिन ये सारे के सारे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज, ठीक है। और इंडिया और चाइना की अब 2500 किलोमीटर की ये लॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, ये डिमार्केटेड बॉर्डर है, बस थोड़ा सा वो एक इशू है LAC का, लेकिन ये चीज़ें आप इसको डो नॉट अंडर एस्टिमेट, इसे मसले खराब भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, अब फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन्स को देखें, अमेरिकन्स ये कहते हैं कि जनाब जो US है उसका जो वर्जन है ऑन दिस अरुणाचल प्रदेश की, ये इंडिया का हिस्सा है, और वो कहते हैं कि हम चाइना जो कि यूनिलैटरली इस खित्ते की चीज़ें चेंज करना चाहता है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। अमेरिकन ये जो स्टेटमेंट देते हैं बेसिकली ये चाइना इंडिया की मोहब्बत में नहीं देते, वो सारी बात है, वो इसको अपने इंटरेस्ट में दे रहे हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि जब हम ये चीज़ करेंगे तो चाइना को जैबिंग, पंजाबी कहते हैं छिबियाँ देना, ठीक है जी। सो छिबियाँ दे रहे हैं उनके पेट में, इधर उधर तंग कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट डूइंग इट फॉर इंडिया। दिस ये वो इशू पर आज का थोड़ा ही ये पुराना इशू है, लेकिन सम हाउ वो समझते हैं कि ये चीज़ें हैं। अब दोनों मुल्कों जो कि ये पूरी डिमार्केटेड एरियाज हैं, एक चीज़ का तो हमें पता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर इंडिया एंड फॉर द चाइना। इंडिया के लिए तो ये है कि इंडिया अपने बार बार ये कहा है कि हम अपने से बड़ी जो एक ताकत है, जो पावर है, उसके साथ हम लड़ने में कोई प्लान नहीं रखते, क्योंकि अभी हमारी तरक्की का वक्त है। इंडिया ये समझता है ये हमारी तरक्की का वक्त है, आज ही अगर हमने लड़ना शुरू कर दिया
आप वैसे ये इंडिया की बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ें तो आपको इस चीज का पता चलेगा कि अमेरिका ने भी लड़ना वर्ल्ड वॉर टू में शुरू किया था दुनिया के मामले में हमारे, वो जैसे कहते हैं ना निर्णय लेना, वो जो निर्णय लेना थी वो उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में शुरू की, वर्ल्ड वॉर वन में भी कोई नहीं की उन्होंने। अरुणाचल प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और अचानक अरुणाचल प्रदेश को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात, अरुणाचल प्रदेश में हाई एनुअल रेनफॉल है और क्योंकि उसकी टोपोग्राफी वैसी है, यानी कि वहां पे पहाड़ हैं, पानी ऐसे बहता है एक 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 सर्टन स्पीड से, एक सर्टन एलिवेशन से, एक सर्टन एंगल से, या जो भी होगा उसका, इट इज एन आइडियल प्लेस फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश। ये भी कहा गया है कि टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल असेस्ड इन द कंट्री, यानी कि पूरे भारत में जितना हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है उसमें तकरीबन 40% सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है, यानी कि पूरे भारत में जितनी बिजली हम बना सकते हैं, जितनी बिजली हम पानी से बना सकते हैं, उसमें से 40% का पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बड़ी बात। अच्छा, इसके पास जो पोटेंशियल है वो 58,000 मेगावाट्स का है। अरुणाचल प्रदेश के पास जो पोटेंशियल है 58,000 मेगावाट्स का हाइड्रो पोटेंशियल है, बट सिर्फ 1% इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ओनली 1%, यानी कि भाई 99% इसमें और हो सकता है आराम से, हंसते खेलते अगर भारत करे तो। अच्छा जी, निर्मला सीतारमन जी ने करीब $90 मिलियन हर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को दिए हैं अरुणाचल प्रदेश में कि जाइए आप अपने आप को अपग्रेड करिए, तो ये बने तकरीबन 7.5 बिलियन इंडियन रुपीस। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर डॉलर्स में है 89.85 मिलियन, मैं राउंड ऑफ करके 90 मिलियन बोल रहा हूं आपको, राउंड ऑफ करके $90 मिलियन पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट निर्मला सीतारमन जी ने इनको दे दिए कि आप जाइए इनको फर्दर इनका विस्तार कीजिए। और इसमें इंडियन गवर्नमेंट पुश कर रही है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो सेक्शन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर है, आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, नोन एज यारलुंग सांगबो इन चाइना विच फ्लोस फ्रॉम टिबेट थ्रू अरुणाचल प्रदेश, उसके ऊपर चीन डैम बना सकता है, ऐसा भारत को लगता है। भारत को लगता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जहां से आती है तिब्बत के थ्रू, वहां पे चाइना अगर डैम बना दे तो इसमें क्या हो जाएगा कि या तो फ्लैश फ्लड हो सकते हैं, आपने डैम खोल दिए बाढ़ आ गई वहां पे, या फिर आपने पानी बंद कर दिया यहां पे सूखा आ गया। ठीक है जी, तो ये पूरी स्टोरी चल रही है आज की तारीख में, ये वाटर वॉर्स चल रहे हैं भारत और चीन के। भारत और चीन की जो लड़ाई है दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ठाठा वाली है या सिर्फ जैसे हमने गलवान में देखा था वो क्लैश, सिर्फ ऐसे नहीं, इसके इकोनॉमिक्स पे भी हैं, इसके पावर पे भी हैं, इसके एनर्जी सिक्योरिटी में हर जगह भारत और चीन का टकराव आप देख रहे हैं, आपके सामने हो रहा है। नेटो देशों ने शी जिनपिंग को यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक करार दिया है, इससे चीन तलमला हुआ है।